गाइस टेकमेट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वाली वीडियो में हम इसी बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कर्व की एक अनबॉक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं। वैसे तो ये वाले ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी पॉपुलर भी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। सो हियर इट इज़। तो सीधे से हम ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी सील ब्रेक करके इसे यूज़ भी कर चुका हूँ, तो एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कि कैसी क्या चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको ये पैकेजिंग देखने मिल जाती है, जिसमें आपको और यहाँ पे एक अलग से कार्ड दिया गया है, जिसके अंदर ये एक माइक्रो यूएसबी केबल आपको देखने मिल जाती है इन्हें चार्ज करने के लिए, जो कि रेड कलर का टचअप के साथ आती है। सो ये ठीक ठाक सी लग रही है। इसमें बोल्ट ऑडियो का साइन भी बना हुआ है। ये पहली बार देखा मैंने कि यूएसबी केबल जो इसकी दी हुई है, जिससे थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हो, उसमें भी ब्रांडिंग की गई है, तो ये एक काफ़ी बढ़िया सी चीज़ लगी। इसके अलावा यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड वगैरह होगा। सो हाँ, ये आपको एक यूज़र मैनुअल देखने मिल जाता है कुछ इस तरीके का। इसे भी हम साइड में कर देते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। वैसे ये ऐसे खुलता है, मैंने ऊपर से नहीं निकाल दिया। चलिए इसे भी हम साइड में कर देते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर हमें एक ये कार्ड देखने मिल जाता है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको उसके साथ ये वारंटी क्लेम कैसे करनी है और सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे इसमें लिखी हुई हैं। तो इसे भी हम साइड में कर देते हैं, आते हैं अपनी ईयरफोन्स की तरफ। तो इस सील को निकाल देते हैं। और कुछ इस तरीके के ये मैंने ब्लू कलर के मंगाए हुए थे। सो कुछ इस तरीके की ईयरफोन्स आपको ये देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में ठीक ठाक से लग रहे हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा कमाल के नहीं हैं। वैसे मेरे पास एक पेयर और थे इन ईयरफोन्स के, जिसको आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी देखी होंगी। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम इन ईयरफोन्स के लुक्स की बात करें तो देखने में ठीक ठाक से हैं, ऐसे बुरे भी नहीं लगते हैं और बेकार से भी नहीं लगते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक से ईयरफोन्स हैं। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा पुअर कहूँगा मैं। 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक इसकी प्राइसिंग चली जाती है कभी कभार, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार दी गई है। पूरे के पूरे प्लास्टिक के बनाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, कि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ नीचे साइड को दिया गया है, जो कि एकदम अलग है बाकी सारी ईयरफोन से। तो ये डिज़ाइनिंग बढ़िया की गई है इसकी, डिज़ाइन पोर्ट वगैरह की, लेकिन बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेकार है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फील नहीं होते और ऐसा लगता है कि जल्दी ही ख़राब से हो जाएंगे ये। बाकी अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो ये भी आपको प्लास्टिक की जगह ये थोड़े से मेटल के दिए गए हैं आगे की साइड, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। फिर यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह भी की गई है, लेकिन ओवरऑल जो फील आ रहा है बिल्ड क्वालिटी का वो काफ़ी ज़्यादा बेकार सा आ रहा है। बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ईयरफोन्स में ज़रूरत है। तो अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करना चाह रहे हैं ईयरफोन्स, तो ये वाले बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। बाकी अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी में ठीक ठाक से हैं। बेस पंची सा लगता है, साउंड क्लियर समझ में आपको आ जाता है, लेकिन फुल वॉल्यूम्स पे आपको डिस्टॉर्शन भी समझ में आता है। हाइज उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं दिया गया है, मिड्स ठीक ठाक से हैं, सराउंड टाइप इफेक्ट भी ठीक ठाक सा है, ट्रबल में ज़्यादा कुछ खास नहीं करते हैं। ओवरऑल 1000 रुपये वाले ईयरफोन्स ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको साउंड करते हुए दिखेंगे, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से ये वाले वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक चले जाते हैं और काफ़ी चीप से लग रहे हैं। साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक सी, ऐसी कुछ ज़्यादा सरप्राइजिंगली अमेजिंग नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जो ऑप्शंस आ रहे हैं बोट की तरफ से या फिर इन्फिनिटी की तरफ से सेम प्राइसिंग में, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। वैसे मैं ये वाली वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं तो सोच रहा था कि बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कर्व प्रो जो आए हैं नए वाले ईयरफोन्स, उस पर वीडियो बनाने वाला था, बट मैंने अच्छे से देखा नहीं ऑर्डर करते टाइम और मैंने ये सिंपल वाले कर्व ही ऑर्डर कर दिए, तो मैंने सोचा कि अब इसकी ही वीडियो बना देते हैं। बाकी अगर आपको इन प्रो बेस कर्व की वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास एक तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अगर हम इसकी माइक क्वालिटी की बात करें तो माइक क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैं आपको सुना देता हूँ कि कैसी की आपको माइक क्वालिटी इसके थ्रू देखने मिल जाएगी। सो गाइस, आपको कुछ इस तरीके की ऑडियो क्वालिटी इसमें देखने मिल जाएगी। जब आप कॉल पर बात करेंगे तो आप सुन सकते हैं कैसा माइक आपको इसमें देखने मिलने वाला है। अगर हम इनकी बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको वही 7 से 8 घंटे का टिपिकल बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल सा है। और आजकल की ईयरफोन्स में काफ़ी ज़्यादा हैवी बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है, साथ ही साथ काफ़ी फास्ट चार्ज वाले हैं। वैसे मुझे याद है मीवी के भी नए ईयरफोन्स लॉन्च हुए हैं, मीवी कॉलर 2, तो वो भी काफ़ी कमाल के 10 मिनट के चार्ज पे आपको सीधे 10 घंटे का बैटरी बैकअप दे देते हैं। उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून करिएगा। और ये वाले तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।